झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। उद्योग संगठन सी यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों से अपील की है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वे तत्काल प्रभाव से खाद्य तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी में 3 से 5 रुपए की कमी करें। वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में कमी का कोई संकेत नहीं आने की बात कहते हुए संगठन ने यह अपील की है। यह दूसरा मौका है जब उद्योग निकाय सी ने अपने सदस्यों से एमआरपी में कटौती करने का अनुरोध किया है। पिछली बार सी ने अपने सदस्यों को नवंबर 2021 में दिवाली के आसपास खाद्य तेलों के एमआरपी में 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी करने के लिए कहा था। भारत अपने खाद्य तेल की 60% से अधिक की मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है। भारत ने खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों पर अंकुश रखने के लिए पिछले कुछ महीनों में पाम तेल पर आयात शुल्क घटाने, स्टॉक सीमा लागू करने जैसे विभिन्न कदम उठाए थे। सरकार के इन सक्रिय प्रयास के बावजूद अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में अधिक बनी हुई है। सी ने एक बयान में कहा, इन कीमतों में नरमी के कोई तत्काल संकेत नहीं दिख रहे हैं और इंडोनेशिया जैसे कुछ निर्यातक देश ने भी लाइसेंस के जरिए पाम तेल के निर्यात को विनियमित करना शुरू कर दिया था। वैश्विक खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और यह आयातित मुद्रास्फीति न केवल सभी अंशधारकों बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर क्षेत्र में तनाव, उस क्षेत्र से आने वाले सूरजमुखी तेल के लिए आग में घी डालने का काम कर रहा है। लानीना के कारण ब्राजील में खराब मौसम ने भी लैटिन अमेरिका में सोया की फसल को काफी कम कर दिया है। इस वैश्विक स्थिति को देखते हुए सी ने कहा कि हालांकि इसके सदस्य खाद्य तेलों की सुचारू आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं, वे सरकार के सक्रिय निर्णयों के साथ जुटे हुए हैं। सी ने कहा कि उसने अपने सदस्यों से अनुरोध किया है और उन्हें सलाह दी है कि कीमतों में नरमी के लिए तत्काल प्रभाव से खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य में 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति टन की कमी करें। उद्योग संगठन ने यह भी उल्लेख किया है कि घरेलू सरसों की फसल काफ़ी बेहतर है और ये चालू वर्ष के दौरान रिकॉर्ड फसल की उम्मीद की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा सरकार नई सरसों की फसल बाजार में आने से पहले कीमतों को नरम करने के लिए कदम उठाने में सक्रिय रही है। कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में हाल ही में 2.5% की कमी इसका एक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।